कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे। आराधिता ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। बताएं फ्रेंड्स, इतना जल्दी जल्दी आज काम करना पड़ेगा ना, आप सोच नहीं सकते। हस्बैंड बाजार गए हैं और अभी हमको रोटी और सब्जी बनाना है, तो चलिए रोटी और सब्जी बनाते हैं, वो भी दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सुबह का नाश्ता बना रहे हैं। आटा गूंदना हो गया है, अभी देख लीजिए हस्बैंड आ गए हैं। तो सुबह से आज जो काम है आप लोगों को क्या बताएं, चलिए आज आप लोगों के साथ टोटली शेयर करेंगे। और यहाँ पर देखिए सब्जी भी बन रही है, यहाँ पर देखिए सब्जी बन रही है, आलू की सब्जी। ऐसे ऐसे करके बॉल बना लेंगे रोटी के लिए। बस हस्बैंड दो खाएंगे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, और हम और बेटी एक एक करके खाएंगे। तो चलिए इसको दिखाते हैं। हस्बैंड गए हैं बाजार, तो देखते हैं क्या क्या लाते हैं। चिकन और फिश लाएंगे, और मैं बहुत ही जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ। सब्जी बन गई है, अभी रोटी बनाना बाकी है फ्रेंड्स। तभी सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मॉर्निंग रूटीन शेयर किया जाए। गर्मा गर्म रोटी, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। देख लो, आलू की सब्जी और रोटी और जलेबी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। वापस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना देसी गाय का मिल्क भी मिलता है, कितना फ्रेश है। सोच लीजिए हम लोगों के हेल्थ के लिए कितना बढ़िया है। तो चलिए रोटी खाना तो हो गया, अभी फिर से काम पर लग जाते हैं, और क्या कर सकते हैं। क्या लाए हैं सब्जी में देखते हैं फ्रेंड्स। चिली चिकन बनाएंगे, इसलिए सॉस को लाने बोले थे, तो यही लाए हैं। बोरोलिन, ये कोलगेट, और यहाँ पर देखिए इस नींबू को देखो, वेस्ट बंगाल में बहुत ही पॉपुलर है। इसको हम बंगाली में बोलते हैं गंधराज नींबू। तो इसमें ना बहुत स्मेल होता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। नींबू जैसे होता है ना, सिर्फ उसमें जूस रहता है, खट्टापन, विटामिन सी रहता है भरपूर, और इसमें विटामिन सी रहता है। नींबू का जो जैसा जूस निकलता है इससे भी निकलता है, और इसी के साथ एक्स्ट्रा इसमें फ्लेवर बहुत ज़्यादा होती है। यही खासियत है वेस्ट बंगाल के नींबू में। तो देखिए फ्रेंड्स, दो लाए हैं, और ये बहुत ही कॉस्टली भी मिलता है। और यहाँ पर देखिए ढेर सारे बेर लाए हैं, बड़ा साइज़ का बेर मिलता है यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स, और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और यहाँ पर है धनिया पत्ता, और स्प्रिंग ऑनियन, ब्रिंजल, पपाया एंड पीस एंड लॉट्स ऑफ चिलीज। ओ, एखाने कैप्सिकमो आछे, देखिए फ्रेंड्स एक कैप्सिकम भी लाए हैं। और ये देखिए यहाँ की चिलीज, देखिए थोड़ा डार्क कलर में आती है, जितना डार्क होता है उतना तीखा होता है। तो चलिए लगभग ये लाए हैं। और यहाँ पर ये नूडल्स हैं, उस दिन खाए थे, ख़त्म हो गया। और इखाने दो दो पैकेट सॉस लाए हैं, डार्क सोया सॉस, डार्क सोया सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस। और टोमेटो सॉस ऑलरेडी घर पर है। एक्चुअली मैं चिली चिकन बनाऊंगी इसलिए लाए हैं। और ये है सफ़ेद जीरा, ख़त्म हो गया था, ये भी लाने बोल दिया था, तो ये भी लाए हैं। तो चलिए बाद में और दिखाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला तो दिखाना भूल ही गए हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेश मटर है, जिसको पीस भी बोला जाता है, और ये खेत से लाया हुआ है। लाते हैं सब्जी बाजार में खेत से, और तभी सेल हो जाता है फ्रेंड्स, इतना फ्रेश मिलता है। तो चलिए तोड़ के दिखाते हैं कितना फ्रेश है, आप लोग खुद ही देख लो। देखिए
इसका दाना देखिए आप लोग समझ जाओगे। तो चलिए ये मिलते हैं बाद में। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये है मीठा दही, हम बंगाली लोग बोलते हैं मिष्टी दही, और वेस्ट बंगाल में बहुत ही पॉपुलर है मीठा दही। और ये है नॉर्मल दही, जैसे हम लोग बाजार से खरीदते हैं वैसा ही। चलिए खोलते हैं, हस्बैंड आए हैं तो बहुत सारे ढेर सारे चीज़ लाए हैं, बाजार गए थे। बाप रे बाप, कितना ट्राई कर रहे हैं फिर भी खोल नहीं रहा है। देखिए ये है नॉर्मल दही। तो चलिए दूसरा भी दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर बिस्किट्स है, और ये देखिए ना जो पनीर, यहाँ पर देखिए पनीर है, और ये बन, और यहाँ पर ढेर सारे मछली। चलिए थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाते हैं। कल हम आप लोगों के साथ रंगोली, या तो फिर हम बंगाली में कहते हैं आलपोना, शेयर किया था, है कि नहीं? तो वो बिखरता नहीं है तब हमने बताया था, तो चलिए दिखाते हैं प्रूफ, वो भी सच में वो बिखरता नहीं है। देखा आपने, मैंने सच कहा। बगीचे में कितने सुंदर फूल खिले हैं, चलिए दिखाते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर फूल खिला है बगीचे में। अभी बगीचे जाएंगे ना बहुत ही मच्छर काटेंगे, तो यही से ही दिखा रहे हैं। आप लोग देख लो, बहुत बड़ा साइज का है फ्लावर। की चाहिए बॉल? अच्छा किने दे, वो देखिए मेरी बेटी पूजा दे रही है। थोड़ा बिस्किट खा लेते हैं। कोई नहीं खाएगा, हम खुद ही खा लेते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है। सच बोले तो फ्रेंड्स, कभी ट्राई कीजिए। वेस्ट बंगाल में जो ये ब्रेड मिलता है ना, थोड़ा बड़ा साइज का मिलता है, और खाने में ना बहुत ही टेस्टी होता है। चलिए खाते हैं। टोटल फ्रेश है फ्रेंड्स। अभी थोड़ा खा के एनर्जी कर लेते हैं, फिर कुकिंग करेंगे, और आराधिता कुकिंग पर कुकिंग शेयर भी करेंगे। अगर अच्छा लगे तो देख लो फ्रेंड्स, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कुकिंग चैनल का लिंक दे दूंगी। आज तेलापिया मच्छी की जो ग्रेवी बनाएंगे वो ही शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या क्या लाए हैं। यहाँ पर देखिए चिकन है, चिली चिकन बनाएंगे, आप लोगों को बताए ना, तो कुकिंग चैनल में चिली चिकन छोड़ेंगे, तो इसके लिए छोटे छोटे पीस करके लाए हैं। देखिए कितना फ्रेश है, अभी तक धोया नहीं है। देखिए और क्या लाए हैं, देखते हैं। यहाँ पर आज हम ये बनाएंगे और कुकिंग चैनल में भी छोड़ेंगे। देखिए ये फिश बनाएंगे, और क्या लाए हैं देखते हैं। देखिए छोटा छोटा फिश, आप लोगों के वहाँ पर अगर मिलता है तो ज़रूर खाइए, आँख के लिए बहुत ही है, और इसमें बहुत ज़्यादा फास्फोरस और न्यूट्रिशन रहती है फ्रेंड्स। हम लोगों के लिए भी अच्छा है, और जो लोग ज़्यादा एज के हो गए उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है फ्रेंड्स। ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। इसको हम बंगाली में कहते हैं मोरोला माछ। तो ये बहुत कॉस्टली मिलता है, अगर आप लोग देखें बाज़ार में तो तुरंत आनिए और इसको कुकिंग करके खाइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये चार, ये हम बंगाली में तेलापिया मछली कहते हैं, तेलापिया, और इसको सरसों के साथ बनाएंगे, बहुत ही यम्मी लगेगा। तो चलिए कुकिंग चैनल में ये छोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मछली को अच्छे से धो लेते हैं। पहले ऐसे ऐसे ही धोएंगे, फिर उंगली से ना ऐसे ऐसे कीजिए, उल्टी तरफ, सीधे तरफ नहीं, ये सीधा हुआ, ये उल्टी हुआ, तो इससे क्या होगा, इसके अंदर कोई भी ऐसे देखिए ये निकल जाता है, पूरे मछली को ही ऐसे करना है, और थोड़ा उंगली से ना अंदर वाला जो पोर्शन है उसको निकालना है फ्रेंड्स।
देखिए और कुछ नहीं है तो ये साफ हो गया। दूसरे वाला भी देखा था, ये सीधा वाला, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा करने से क्या होता है, फिश का जो स्केल्स होता है वो निकल जाता है, एक्स्ट्रा जो स्केल्स होता है। देखिए देखिए ये वाला निकल गया, गौर से देखिए। तो आप लोग भी ऐसे कीजिए और फिर उंगली से अंदर थोड़ा घुसाइए, कुछ भी रहे तो उसको निकाल दीजिए। देखिए ये वाला पार्ट बस हो गया, और इसके सर पर भी कीजिए, स्केल्स सर पर भी रहता है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पूरा शेयर कर रहे हैं, देख लीजिए। ऐसे ही आप लोगों को मच्छी धोना है। तो बहुत अच्छे से धोएंगे फ्रेंड्स। अभी 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। एक्स्ट्रा जो पानी रहता है उसको फेंक देंगे फ्रेंड्स, और फिर से मिक्स कर देंगे। देखिए मिक्स करने के बाद ऐसा ही लगता है। कभी कभी क्या होता है, काम करते करते ना बहुत थक जाते हैं, तब यहाँ पर आते हैं और बैठ जाते हैं। बस थोड़ा खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो ना आप क्या करेंगे, सारा दिन काम करते जाएंगे और आप कभी भी रेस्ट करने के लिए या तो फिर खुद के लिए कोई भी टाइम नहीं निकाल पाओगे। ऐसा ही है, तो मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ। ये है मेरा मेन गेट, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काम हुआ था, ये सामने वाले घर में काम हुआ था, ये सीमेंट लग गया है। अभी ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो झगड़ा करने आते हैं, फिर से साफ करना पड़ेगा। देखिए और यहाँ पर हम बैठ गए हैं, अच्छा लगता है। ये है हम लोगों का मेन गेट, यहाँ पर भी और एक गेट है, ये तो बाउंड्री का गेट है फ्रेंड्स। यहाँ पर बैठ जाते हैं और अच्छा लगता है, मुझे ना नेचर बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो जब भी थक जाती हूँ मैं यहाँ पर आती हूँ, बैठती हूँ और थोड़ा सा टाइम खुद के लिए ऐसे ही थोड़ा बैठकर थोड़ा टाइम खुद के लिए देती हूँ, और फिर चली जाती हूँ काम करने। क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं काम करेंगे तो कैसे चलेगा, कौन कर देगा। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर फ्लावर है, हम ना ये फ्लावर भगवान जी को चढ़ाते हैं। बहुत धूप है फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या बताएं, आँख अच्छे से खुल नहीं पा रहे हैं हम। ए पुकु बड्डो धूप ताप रे, প্রচন্ড রোদ উঠেছে, চল বাবা ঘরে চল, ও আসবে খেতে আসবে, চাল খেতে আসবে, কে চাল খেতে আসবে, ওই যে ওই যে তুমি একটু শোনা আসবে। আপনি দেখিয়ে ফ্রেন্ডস अच्छे से বার্ডস আতে হ্যায় ইয়া পর চাওল খানে কে লিয়ে, চাওল তাই না, চাওল চুগতে আসে না, ওদের চুগা বলে না, হ্যাঁ দানা চুগনে কে লিয়ে আতে হ্যায় বার্ডস, অনেকটা ইসকে কাছে তো দিখাতে হ্যায় পালিয়ে গেল তোমার জন্য, পালিয়ে গেছে, ভাগ গেছে ফ্রেন্ডস, তোমাকে চেনে না, তোমাকে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে যা, डर के मारे भाग गए हैं। और इतना धूप है फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा धूप है। देखिए फ्रेंड्स, यही चावल चुगने के लिए बर्ड्स यहाँ पर आते हैं। सो आज थोड़ा ज़्यादा ही काम करना पड़ा क्योंकि हस्बैंड आए हैं, और आज मम्मी के घर भी जाएंगे, तो मटर की सब्जी बना लिया है मैंने, और मम्मी के घर मटर की सब्जी बना के ले जाएंगे, और नहीं तो मम्मी को फिर से बनाना पड़ेगा। और हम लोग तो फ़ोन करके तो जाते तो नहीं हैं, अचानक से चले जाते हैं जब भी टाइम मिलता है, एक्चुअली जब भी टाइम मिलता है तब चले जाते हैं। तो मटर की सब्ज़ी बना के ले जाएंगे, और मम्मी रोटी देगी या तो फिर पराठा देगी, हस्बैंड को पराठा ज़्यादा पसंद है। तो उठाए इससे उठाए रे ओ बाबा ओ दे, नहीं फ्रेंड्स बर्ड्स को हम कैच कभी भी नहीं कर पाएंगे, वो लोग बहुत ही फुर्तीला होते हैं और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि मैं उन लोगों को खाना नहीं देती हूँ, और बेटी देती है, इसलिए बेटी को थोड़ा बहुत पसंद करती है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो चलिए नीचे चलते हैं, बहुत सारा काम है अभी, बहुत सारा कुकिंग करना है। चलिए और क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कौन बना के देगा खाने के लिए। अभी आ गए हैं किचन में काम करने के लिए फ्रेंड्स, क्या
बताए दुखी बात, इतना काम करते हैं और कुछ पगड़ नहीं मिलता है मुझे। ऐसा ही होता है। तो फ्रेंड्स अभी खाना स्टार्ट करेंगे, देखिए अगर अच्छा लगे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अभी मत जाइए, और भी कुछ दिखाएंगे आप लोगों के साथ, तो आइए